फ्रंट एंड या फिर बैक एंड? एज अ बिगनर आपको फ्रंट एंड चूज करना चाहिए या फिर आपको बैक एंड चूज करना चाहिए? एज अ बिगनर आपके लिए क्या ज्यादा सही रहेगा, फ्रंट एंड या फिर बैक एंड? सो हे गाइस, वेलकम बैक टू आई ट्यूब चैनल। मैं तरुण कौशिक, और यार आज की वीडियो के अंदर हम एक बहुत बड़े क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं, जो कि मोस्टली सभी बिगनर्स के माइंड में रहता है जो कि वेब डेवलपमेंट स्टार्ट करते हैं। फ्रंट एंड वर्सेस बैक एंड, विच वन इज बेटर, किसके अंदर हमको एवरेज पैकेज ज्यादा मिलता है, एज अ बिगनर हमको पहले क्या चूज करना चाहिए? तो इन सभी क्वेश्चंस के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं, एंड मैंने इस वीडियो को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि फ्रंट एंड और बैक एंड आखिर होते क्या है, फ्रंट एंड क्या होता है, इसके अंदर कौन कौन सी लैंग्वेजेस यूज होती हैं, एंड बैक एंड क्या होता है और बैक एंड के अंदर कौन कौन सी लैंग्वेजेस यूज होती हैं। और इसके बाद सेकंड पार्ट में हम बात करेंगे कि हमारे इंडिया में एक फ्रंट एंड डेवलपर की एक एवरेज पैकेज कितना होता है और एक बैक एंड डेवलपर का एवरेज पैकेज कितना होता है। और थर्ड पार्ट में हम बात करेंगे कि एज अ बिगिनर आपको क्या चूज करना चाहिए, या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं कि अगर आप ये फाइंड आउट करना चाहते हो कि मेरे लिए कौन सा ऑप्शन ज्यादा बेटर रहने वाला है, मैं फ्रंट एंड ज्यादा अच्छे से कर सकता हूँ या फिर मैं बैक एंड ज्यादा अच्छे से कर सकता हूँ, तो ये डिसीजन भी आप ले पाओगे। एंड लास्ट एंड फोर्थ पार्ट में हम बात करेंगे कि विच वन इज बेटर, फ्रंट एंड इज बेटर और बैक एंड इज बेटर, और दोनों के बारे में हम बात करेंगे। सो वीडियो डेफिनेटली काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, सो मेक श्योर टू वॉच कंप्लीट वीडियो। सो गाइज, विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, लेट्स गेट बिगिन। सो इन द फर्स्ट पार्ट हम बात करने वाले हैं फ्रंट एंड क्या होता है और बैक एंड क्या होता है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फ्रंट एंड की, व्हाट इज फ्रंट एंड। सो फ्रंट एंड वेबसाइट का वो पार्ट होता है जहाँ पे हम यूजर के साथ इंटरेक्शन करते हैं, जो कि एक क्लाइंट साइड पे होता है। जैसे कि एक वेबसाइट पे जो भी कंटेंट होता है, हम जो भी कंटेंट देखते हैं, कंटेंट, इमेज, बटन्स, टेक्स्ट, जो कुछ भी हमको एक वेबसाइट पे शो होता है, तो वो सारे कंपोनेंट्स हम फ्रंट एंड की हेल्प से ही लिखते हैं। और मैं अगर बैक एंड की बात करूं तो बैक एंड वेबसाइट का एक वो पार्ट होता है जो कि सर्वर साइड पे होता है, और बैक एंड वेबसाइट का एक वो पार्ट होता है जहाँ पे हम डाटाबेस से कनेक्ट करते हैं, जहाँ पे हम लैंग्वेजेस का यूज करके एक डाटाबेस को फ्रंट एंड से कनेक्ट करते हैं, और बेसिकली बैक एंड सर्वर साइड पे होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर बात करूं, एक जो कार होती है, जो कार का एक्सटीरियर होता है, जैसे कि जो स्टीयरिंग होती है, एंड जो हमारा मीटर होता है जिसपे हमें स्पीड दिखाई देती है, एंड जो हमारा फ्यूल मीटर होता है, तो वो होता है एक फ्रंट एंड का पार्ट। और जो हमारी गाड़ी का जो इंजन होता है उसे हम बोल सकते हैं बैक एंड का पार्ट। तो ये दोनों ही एक वेबसाइट के मेन कंपोनेंट्स हैं। फ्रंट एंड के बिना बैक एंड किसी काम का नहीं है, और बैक एंड के बिना फ्रंट एंड किसी काम का नहीं है। बिकॉज आप फ्रंट एंड की हेल्प से एक लेआउट तैयार कर दो, लेकिन जब तक आप उसके अंदर बैक एंड ऐड नहीं करोगे, तब तक आप उस वेबसाइट के साथ इंटरेक्शन नहीं कर पाओगे। सो इसलिए फ्रंट एंड एंड बैक एंड दोनों ही इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स हैं एक वेबसाइट के अंदर। सो दैट्स द डिफरेंस बिटवीन फ्रंट एंड एंड बैक एंड। आपको पता चल गया होगा कि फ्रंट एंड क्या होता है और बैक एंड क्या होता है। अब इन दोनों के अलावा भी एक चीज और होती है जिसे हम कहते हैं फुल स्टैक डेवलपमेंट। अब ये फुल स्टैक डेवलपमेंट क्या होता है? सो बेसिकली फ्रंट एंड प्लस बैक एंड दोनों को मिला के बनता है फुल स्टैक डेवलपमेंट। फुल स्टैक डेवलपर वो होता है जो कि फ्रंट एंड पे भी काम करता है और बैक एंड पे भी काम करता है। सो आई होप आपको तीनों ही समझ में आ गए होंगे कि फ्रंट एंड क्या होता है, बैक एंड क्या होता है और फुल स्टैक क्या होता है। सो अभी हम चलते हैं अपने सेकंड पार्ट की तरफ, जिसमें हम बात करने वाले हैं एवरेज पैकेज की, फ्रंट एंड का एवरेज पैकेज क्या होता है और बैक एंड का एवरेज पैकेज क्या होता है। सो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कि फ्रंट एंड का एक एवरेज पैकेज क्या होता है।
सो मैं अगर इंडिया की बात करूं तो इंडिया के अंदर अगर आप एक बिगनर फ्रंट एंड डेवलपर हो तो आपका एक एवरेज पैकेज होता है 3 to 5 LPA, और वहीं पे अगर आपको 4 to 5 years का एक्सपीरियंस है और आप एक अच्छे लेवल के फ्रंट एंड डेवलपर हो तो वहीं पे आपका पैकेज 6 to 9 LPA तक चला जाता है। एंड अदर साइड में अगर बैक एंड की बात करूं तो बैक एंड का अगर आप एक बिगनर बैक एंड डेवलपर हो और आपको अगर इतना एक्सपीरियंस नहीं है तो आपका एवरेज पैकेज होता है 5 to 7 LPA। और मैं अगर एक एक्सपीरियंस बैक एंड डेवलपर की बात करूं जिसे 4 to 5 years का एक्सपीरियंस होता है तो उसका पैकेज 8 to 10 LPA तक चला जाता है। एंड जैसे जैसे आप इसमें आगे बढ़ते हो आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है तो आपका पैकेज भी बढ़ता जाता है। आपके स्किल्स जितने अच्छे होंगे, आपको जितना ज्यादा एक्सपीरियंस होगा तो आपका पैकेज भी उतना ही ज्यादा होगा। और मैं अगर फुल स्टैक डेवलपर की बात करूं जो कि फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों पे ही काम करता है, डेफिनेटली एक फुल स्टैक डेवलपर का एवरेज पैकेज एक फ्रंट एंड और एक बैक एंड से ज्यादा होता है। सो अभी हम थर्ड पार्ट में बात करने वाले हैं कि आपको एज अ बिगिनर कौन सा ऑप्शन चूज करना चाहिए, आपके लिए क्या ऑप्शन ज्यादा बेटर रहने वाला है। सो इन द थर्ड पार्ट हम बात करेंगे कि फ्रंट एंड और बैक एंड आपको क्या चूज करना है। तो मैं अगर ये बोलूं किसे सीखना ज्यादा सिंपल है, किसके साथ आप स्टार्टिंग कर सकते हो, तो वो है फ्रंट एंड। बिकॉज आपको अगर कोई भी लैंग्वेज नहीं आती है, आपको कुछ भी नहीं आता है, तब भी आप फ्रंट एंड के साथ स्टार्टिंग कर सकते हो। ये काफी ज्यादा सिंपल है। एंड यहाँ पे प्रॉब्लम ये आती है कि हम जब भी कोई लैंग्वेज सीखते हैं तो हम जब उसे स्टार्ट करते हैं तो हमको अगर उसमें अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिलता तो हम उसमें बहुत जल्दी डीमोटिवेट हो जाते हैं और फिर हम उस लैंग्वेज को छोड़ के किसी और लैंग्वेज पे जंप कर जाते हैं। जैसे मैंने अगर C++ स्टार्ट की, मैंने C++ को सीखा लेकिन मैंने देखा कि मेरे आउटपुट नहीं आ रहे हैं, मैं सही से नहीं कर पा रहा हूं, तो फिर मैं वहां पे डीमोटिवेट हो जाऊंगा और मैं C++ को छोड़ के बीच में ही छोड़ के और किसी और लैंग्वेज पे जंप कर जाऊंगा, जैसे जावा या फिर पाइथन। तो ये चीज यहाँ पे हमको देखने को मिलती है फ्रंट एंड एंड बैक एंड के अंदर भी। एंड इसलिए यहाँ पे फ्रंट एंड आगे है कंपेयर टू बैक एंड, बिकॉज बैक एंड फ्रंट एंड से ज्यादा हार्ड है क्योंकि उसके अंदर हम डेटाबेस पे काम करते हैं, हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के साथ काम करते हैं, लेकिन फ्रंट एंड के अंदर हम HTML, CSS, JavaScript के साथ काम करते हैं जो कि काफी इजी है। एंड वहां पे क्या होता है कि जब हम फ्रंट एंड सीखते हैं तो हमको वहां पे साथ में आउटपुट हम अपना देख सकते हैं। जैसे हमने HTML सीखी तो हमने अपने वेब पेज का कलर चेंज कर दिया, हमने उसकी फॉन्ट स्टाइल चेंज कर दी, हमने कोई बटन उस पर प्लेस कर दी, हमने बटन अच्छे से डिजाइन कर दी, तो वहां पे हमें काफी अच्छे से अपना आउटपुट दिखाई देता है जिससे हमें एक मोटिवेशन मिलती है और फिर हम फ्रंट एंड के अंदर और उसे अच्छे से सीख पाते हैं। लेकिन बैक एंड के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है। बैक एंड के अंदर हमको कंसोल विंडो पे काम करना पड़ता है, वहां पे हमें डेटाबेस के साथ काम करना पड़ता है जो कि इतना फन टू इंटरेक्शन नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से बैक एंड के अंदर इन स्टार्टिंग इतना मजा नहीं आता। सो अगर आप एक बिगनर हो, आपको कुछ भी नहीं आता है कंप्यूटर साइंस के फील्ड में, तो आप फ्रंट एंड के साथ स्टार्ट कर सकते हो। एंड आफ्टर फ्रंट एंड आप बैक एंड पे जंप कर सकते हो अगर आपको बैक एंड सीखना है। और डेफिनेटली मैं ये बोलूंगा कि आपको फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों ही एक्सप्लोर करने चाहिए। अब ये आपके ऊपर है कि आपको कौन सा पाथ चूज करना है, आपको फ्रंट एंड डेवलपर बनना है या फिर आपको बैक एंड डेवलपर बनना है, ये आपको चूज करना है। लेकिन आपको एक्सप्लोर दोनों फील्ड्स को ही करना है जिससे आपको एक आइडिया लगे कि दोनों ही चीजें कैसे काम करती हैं एक वेबसाइट के अंदर। और अगर आप एक फुल स्टैक डेवलपर बनना चाहते हो तो फिर आपको दोनों को ही सीखना पड़ेगा। तो अब आप एक डिसीजन कैसे लोगे कि मुझे फ्रंट एंड पे जाना है फिर बैक एंड पे जाना है, तो सिंपल है। आप अगर डेटाबेस के साथ काम करना चाहते हो, आपको अगर कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम्स लिखना पसंद है, तो आप बैक एंड की तरफ जा सकते हो। और अगर आपको यूजर इंटरेक्शन ज्यादा अच्छा लगता है, आपको अगर डिजाइनिंग करना ज्यादा अच्छा लगता है, तो आप फ्रंट एंड के पार्ट पे जा सकते हो कि कैसे आप वहां पे एक बटन प्लेस करते हो, आपको एक वेबसाइट लेआउट तैयार करने में काफी मजा आता है, आपके क्रिएटिविटी स्किल्स काफी अच्छे हैं, तो आप फ्रंट एंड की तरफ जा सकते हो। अदरवाइज आप बैक एंड की तरफ जा सकते हो।
सकते हो। सो आई थिंक अब आप ये डिसीजन ले पाओगे कि आपको एज अ बिगिनर फ्रंट एंड को चूज करना है या फिर बैक एंड को चूज करना है। सो अभी हम अपने लास्ट पार्ट में बात कर लेते हैं कि विच वन इज बेटर, फ्रंट एंड इज बेटर और बैक एंड इज बेटर। सो अगर हम दोनों को कंपेयर करें तो दोनों ही एक काफी ज्यादा मेन कंपोनेंट्स हैं एक वेबसाइट के। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था, फ्रंट एंड के बिना बैक एंड यूजफुल नहीं है और बैक एंड के बिना फ्रंट एंड यूजफुल नहीं है। बिकॉज एक कार के अंदर अगर इंजन नहीं होगा तो फिर वो कार कभी चल नहीं पाएगी, और अगर उस कार में इंजन है अगर उसका एक्सटीरियर ही नहीं होगा तो फिर उसमें कोई बैठने वाला नहीं है। तो इसलिए एक वेबसाइट के अंदर फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों ही एक मेन कंपोनेंट्स हैं। सो इसलिए हम फ्रंट एंड और बैक एंड को आपस में कंपेयर नहीं कर सकते, दोनों ही अपनी अपनी जगह मेन कंपोनेंट्स हैं। सो आई होप आपको काफी अच्छे से समझ में आ गया होगा कि फ्रंट एंड क्या होता है, बैक एंड क्या होता है, और जो भी आपके माइंड में क्वेश्चंस थे फ्रंट एंड और बैक एंड से रिलेटेड, आई होप वो मोस्टली क्वेश्चंस आपके क्लियर हो गए होंगे। एंड अब भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, आई होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो, सो मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर मोर अमेजिंग कंटेंट। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। Thank you.